दोस्तों रिसेंटली बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज की जिसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स पर अपनी लेटेस्ट फिल्म डंकी की रिलीज की अनाउंसमेंट की। जिस चीज ने सबको शॉक में डाल दिया वह यह है कि वीडियो में शाहरुख ने के-पॉप बैंड BTS के लिए अपना लव एक्सप्रेस किया। 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक फिल्म डंकी है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इसे अपनी सबसे स्पेशल फिल्मों में से एक का टाइटल देते हुए शाहरुख खान ने कहा, डंकी एक खास फिल्म है और एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम थैंकफुल हैं कि हम इस खूबसूरत कहानी को नेटफ्लिक्स के थ्रू दुनिया भर की ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। फिल्म इमोशंस की एक रोलर कॉस्टर है और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों के एक ग्रुप का यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर इंटरनेशनल लेवल पर दिल जीत लेगा। डंकी में शाहरुख खान के साथ बोमन ईरानी, तापसी पन्नू, विकी कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर जैसे एक्टर्स की कास्ट शामिल है। फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिव्यूज मिले। डंकी इमिग्रेशन के मुद्दे पर बेस्ड फिल्म है। डंकी की कामयाबी के साथ शाहरुख खान को 3 बैक टू बैक हिट्स मिले हैं। तो क्या आपने डंकी देखी है? आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए।